अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपने स्टैक वाली वीडियोस कंप्लीट कर ली होंगी और स्टैक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बेसिक एप्लीकेशंस हमने उसमें कर ली हैं जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। आई होप आपने असाइनमेंट भी स्टार्ट कर दी होगी और आपको समझ भी आ रही होगी। हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे। क्यूज का डेटा स्ट्रक्चर जो है ये फॉलो करता है रूल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। जैसे कि स्टैक में जो रूल यूज होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट का है। जो इनपुट सबसे लास्ट में की जाती है वो सबसे पहले आउट करनी होती है। क्यूज के केस में जो इनपुट सबसे पहले की जा रही है वो भी सबसे पहले आउट होगी। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है उसकी कि जब आप कोई बिल जमा कराने के लिए लाइन में लगे होते हैं तो जो पहले सबसे आगे बंदा खड़ा होता है उसका बिल सबसे पहले सबमिट जमा होता है। या फिर जब आप पेट्रोल फिल करवा रहे हैं तो आप उस गली क्यू में लगे हुए हैं, उस गली लाइन में लगे हुए हैं, तो जो सबसे आगे है उसका उसके लिए सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है। सो ये बड़ी रियल टाइम एग्जाम्पल्स हैं क्यूज की। और इसी तरह जहाँ पे इवन कंप्यूटर सिस्टम्स भी आप ये यूज कर रहे होते हैं स्केजलिंग के लिए, प्रोसेस स्केजलिंग के लिए। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ लिया हुआ है तो प्रोसेस स्केजलिंग में एक एल्गोरिथम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी होता है कि जो प्रोसेस सबसे पहले इन कर रहा है, सबसे पहले आ रहा है कंप्यूटर, उसको सबसे पहले प्रोसेसर आपका उसको सबसे पहले प्रोसेस करके। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है पहले पाइए, पहले आइए, पहले पाइए। बाई डेफिनेशन और इट्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच आइटम मे बी डिलीटेड फ्रॉम वन एंड इट्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स from which items may be deleted from one end and items may be inserted at the other end. जो स्टैक था उसके केस में हमने डिस्कस किया था कि स्टैक का एक ही एंड होता है, एक बॉटल शेप होता है। सो आपने एक ही एंड है, उसी में से इंसर्शन भी हो रही होती है जिसको आप पुश करना कहते हैं वैल्यू को, और अगर आपने डिलीट करना है तो उसी एंड से डिलीशन भी हो रही होती है जिसमें जिसको हम कहते हैं कि स्टैक पॉप कर रहा है। क्यों उसके केस में ऐसा नहीं है? क्यों उसके दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक रियर एंड होता है, यानी दो एंड्स हैं इसके, दो साइड से ही ओपन होती है। इंसर्शन और डिलीशन दोनों डिफरेंट एंड से हो रही होती है, एक एंड से इंसर्शन हो रही होती है और एक एंड से डिलीशन हो रही होती है। सो जिस एंड से इंसर्शन हो रही होती है वो डिफरेंट एंड होता है और जहां से डिलीशन हो रही होती है वो एंड डिफरेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप जब पेट्रोल पंप पे पूरी कार्स की लाइन है तो इंसर्शन एंड जो है वो बैक एंड होता है, सबसे एंड पे जाके वैल्यू इंसर्ट हो रही होती है, और जो डिलीशन एंड है वो फ्रंट एंड होता है बिल्कुल जहाँ पे जो सबसे पहली एंट्री थी जहाँ पे डिलीशन वहां से हो रही होती है। ठीक है, सो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन थी क्यूज की। इसके भी प्रिमिटिव फंक्शंस हैं कुछ, जिस तरह से स्टैक के थे प्रिमिटिव फंक्शंस। वहां जैसे स्टैक में जब वैल्यू पुश करते थे, वैल्यू इंसर्ट करते थे तो हम कहते थे कि वैल्यू पुश हो रही है।
और जब वैल्यू डिलीट करते थे तो कहते हैं कि वैल्यू पॉप हो रही है, स्टैक पॉप हो रहा है। क्यूज के केस में भी इसी तरह इंजर्शन और डिलीशन होती है। जब क्यूज में कुछ इनपुट हो रही होती है, कुछ इंजर्शन हो रही होती है, तो हम कहते हैं कि हम एन क्यू कर रहे हैं, और जब कुछ डिलीशन होती है तो कहते हैं कि डी क्यू हो रहा है। सो प्रिमिटिव ऑपरेशंस दो हैं, इंसर्शन एन क्यू डी क्यू। एन क्यू का मतलब है कि आप कुछ एंटर कर रहे हैं, कुछ इंसर्शन कर रहे हैं। इंसर्शन जो है वो क्यू के एंड पे होती है, नई एंट्री हमेशा क्यू के एंड पे आती है। सो डी क्यू के केस में डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट। इसके अलावा जिस तरह सपोर्टिंग फंक्शन से स्टैक्स के केस में इस कोल का, इस एम्प्टी का, इसी तरह क्यूज के केस में भी इस तरह के सपोर्टिंग फंक्शन होते हैं। हम एम्प्टी या फुल क्यू का फुल इस क्यू और इस एम्प्टी का फंक्शन बनाते हैं क्यूज के केस में। कुछ एग्जांपल सिंपल सी देख लेते हैं कि किस तरह से क्यू में इंजर्शन हो रही होती है और किस तरह से डिलीशन हो रही है। हम अज्यूम करते हैं कि एक इंटीजर क्यू है या कैरेक्टर क्यू सिस्टम। हम अज्यूम करते हैं कि एक कैरेक्टर क्यू है। ठीक है, और इस क्यू का साइज 5 है। बाई डिफॉल्ट हमारा जो है फ्रंट डी और फ्रंट एंड बी, और जो फ्रंट एंड के बाद दूसरा एंड है उसको हम कहते हैं यहाँ पे रियर एंड। सो फ्रंट और रियर हम कहते हैं कि ये दोनों आउट साइड रखे हुए हैं अभी फिलहाल, क्योंकि क्यू एम्प्टी है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो अगर हम इस तरह से अज्यूम करें कि अभी फ्रंट और रियर दोनों क्यू से बाहर हैं, अभी फिलहाल कोई भी एंट्री नहीं हुई है इसमें, तो अगर पहली इंस्ट्रक्शन जाती है
सो एन क्यू ए, अगर ए एन क्यू हो रहा है तो क्या स्टेटस होगा? यहाँ पे ए आ जाएगा. सो आपके पास फर्स्ट एंट्री के केस में फ्रंट भी यहाँ पे मूव करना होगा आपने और रेयर भी आपने. फ्रंट भी यही है और रेयर भी यही है, पहली एंट्री भी यही है, आखिरी एंट्री भी यही है. फिलहाल आपकी क्यू में सिर्फ एक एंट्री है. ठीक, अब एन क्यू कर रहे हैं हम बी. ओके, अब प्रीवियस स्टेटस देखें तो आपके पास फर्स्ट एंट्री जो थी फ्रंट भी वही था और रेयर भी वही था. अब अगर आपके पास एक और एंट्री हुई है तो इट मींस फ्रंट एंड में तो चेंज नहीं आएगा, फ्रंट इंडेक्स तो ए ही रहेगा क्योंकि सबसे पहली एंट्री तो यही थी. आउट भी यहीं से होना है, डिलीशन भी यहीं से होनी है, रेयर चेंज होगा यानी ए के बैक पे बी आर. सो अब आर जो है वो आर वाला इंडेक्स चेंज होगा, आर यहाँ पे आ गया. R is an index number. In other words, you can say R is a position number. अब तीसरी C की एंट्री हुई है तो उस केस में क्या होगा? फ्रंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रंट तो यही है. और C जो आपने थर्ड एंट्री की है एक्चुअली रेयर, अब ये लास्ट है. ठीक है, एन क्यू या भी तीन एन क्यू के बाद की एंट्री. और डी 1 2 3 4 5. अब फ्रंट अगेन ए पे ही है, फ्रंट पे कोई एन क्यू के केस में फ्रंट में कोई चेंज नहीं आ रहा इसलिए कि आपने कुछ भी डिलीट नहीं किया, सिर्फ इंसर्शन कर रहे हैं, एन क्यू कर रहे हैं. और सॉरी ये ए नहीं है, एन क्यू के केस में आपकी सिर्फ एंट्री होगी और एंट्री जब करने लगे तो आप अज्यूम करिए कि आप किसी लाइन में लगे हैं और उसमें नहीं एंट्री है तो डेफिनेटली वो रेयर एंड पे जाते होंगे. सो बी सी एंड दिस इज डी और अब ये डी वाला इंडेक्स, डी वाली पोजीशन जो है ये रेयर इंडेक्स है. इसी तरह ई है तो ई के केस में अब आपके पास रेयर है. यहाँ पे आके ठीक है, अब अगर मैं इसमें से, जरूरी नहीं है कि पहले पूरी क्यू एन क्यू होगी और उसके बाद ही उसमें से कुछ डी क्यू होना शुरू होगा, दरम्यान में भी कहीं पे भी हो सकता था. मैं अब इस तरह भी अभी फिलहाल अगर इस तरह से एन क्यू हुआ है तो मैं अगर दो तीन इंस्ट्रक्शन डी क्यू की लिखूँ तो वो क्या स्टेटस होगा? जगह कम है, कहाँ से तो अगर डी क्यू हो रहा है तो क्या होगा? ये फिफ्थ के बाद अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डी क्यू की है डेफिनेटली आपको नहीं बताना कि इसने कौन सी वैल्यू डी क्यू करनी है, वो खुद ब खुद जो रियर फ्रंट एंड है उसको डी क्यू डिलीट करेगा. सो डी क्यू के केस में अब ये लास्ट आपके पास स्टेटस है क्यू का. डी क्यू का मतलब है कि फ्रंट जो है वहां से डिलीशन हो रही है. तो ये ए डिलीट हो जाएगा और फ्रंट बी पे मूव कर जाएगा. रेयर में कोई चेंज नहीं आएगा, रेयर एज इट इज जहां पर है वो वहीं पे रहेगा.
क्योंकि रेयर सिर्फ उस वक्त मूव करता है जब कुछ एंट्री होती है. सो ए डिलीट कर देना यहाँ पे, और अब ये फ्रंट है. ठीक हो गया. नेक्स्ट डी क्यू करेंगे तो अगेन रेयर में कोई चेंज नहीं आएगा. रेयर यहीं पर रहेगा और एफ की जगह पे एफ जो है वो सी डी की जगह बी डी जो एफ सी की लोकेशन. ठीक, डी क्यू के केस में ऐसे होता है. तीसरी लाइन डी क्यू और आर दोनों लास्ट एलिमेंट पे हैं. एक डी क्यू और होगा तो क्या स्टेटस हो जाएगा. आर क्योंकि हम डी क्यू के गेट में चेंज नहीं करते, एफ जो है वो चेंज होगा और एफ आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा. यानी आर जो है वो तो ठीक है, आर लास्ट एलिमेंट को ही करता रहेगा पॉइंट, जबकि फ्रंट जो है वो लास्ट एलिमेंट से वन पॉइंट आगे मूव कर जाएगा. ठीक है, सो ये इस बेसिक लॉजिक ही है जो कि डी क्यू या एन क्यू करने के है. फ्रंट ये याद रखना वाला पॉइंट ये है कि जब आपने एन क्यू करना है यानी कुछ इंसर्शन करनी है तो आपने रेयर में इंक्रीमेंट करना है और फ्रंट को डिलीट कर देना है. आपने सॉरी रेयर में इंक्रीमेंट करना है, जबकि डी क्यू के केस में आपने फ्रंट में इंक्रीमेंट करना है और रेयर को बिल्कुल भी चेंज नहीं. ये सिंपल अभी लॉजिक थी. अब हम देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है. अब जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो आप इसी को ऑब्जर्व कर लें. अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरह से करेंगे इसे इम्प्लीमेंट. फाइव की एक अरे लेंगे जो कि एक क्यू को शो कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पे फाइव एलिमेंट्स हम प्लेस कर रहे हैं तो उसका साइज फाइव होना चाहिए. सो एक करेक्टर अरे जो कि साइज फाइव की है वो यूज करेंगे एज अ क्यू. और दो वेरिएबल्स आपके पास क्यू में होने चाहिए, फ्रंट का और रेयर का. ठीक है, सो अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम आप क्यू रख लें और उसमें एक करेक्टर अरे डिक्लेयर कर लें, और उस करेक्टर अरे के अलावा उसके अंदर जो एलिमेंट्स आप प्लेस करेंगे वो ये होंगे. एक फ्रंट नाम का वेरिएबल होगा और एक रेयर नाम का वेरिएबल होगा. अब फ्रंट में क्या वैल्यू होगी और रेयर में क्या वैल्यू होगी. फ्रंट और रेयर दोनों इंडेक्सेस यानी वो जो 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स नंबर्स होते हैं, सबस्क्रिप्ट होते हैं जो कि अरे के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, उनको उनकी वैल्यू वो जो है वो आप रखेंगे फ्रंट और रेयर में. फ्रंट में जो पहला जिस इंडेक्स पे आपकी वैल्यू पड़ी हुई है जिसमें से आप जिसको आपने नेक्स्ट टाइम जब भी डी क्यू कॉल होता है डिलीट करना है, फ्रंट में वो वैल्यू नहीं होगी, उसका इंडेक्स नंबर होगा. जैसे ए है, अगर ए जीरो थे इंडेक्स पे तो फ्रंट में वो जीरो पड़ा होगा. ए अगर आपने बी डिलीट करना है तो आपके पास जो फ्रंट है उसकी वैल्यू बी नहीं होगी बल्कि वन होगी. इसी तरह सी डिलीट करना है तो फ्रंट की वैल्यू सी नहीं होगी बल्कि टू होगी. इसी तरह फ्रंट की वैल्यू आगे फ्रंट और इसी तरह जब आपने एन क्यू करना है तो रेयर की वैल्यू जब आपने पहली एंट्री करनी है तो रेयर की वैल्यू जीरो होगी, यानी वो इंडेक्स नंबर होगा, उसमें वैल्यू नहीं होगी. ए बी सी डी ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, सो इसका मतलब है कि दो इंटीजर्स लेने हैं आपने, एक इंटीजर फ्रंट का ले लें एक इंटीजर रेयर का ले लें. तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा.
अब दूसरी चीज ये कि आप एक चीज नोटिस करने वाली जो है कि आपकी इनिशियल वैल्यूज क्या होनी चाहिए फ्रंट की और रियर की. अभी जो मैंने लॉजिक एक्सप्लेन की, हमने जो लॉजिक डिस्कस की, इसमें अगर आपके अरे के एलिमेंट्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो हमने कहा कि जब उसमें कोई एंट्री नहीं थी तो फ्रंट और रेयर दोनों आउट ऑफ बाउंड थे, यानी जीरो की जगह माइनस वन थे. अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अगर गौर करें कि जब आपके पास फ्रंट और रेयर दोनों आप माइनस वन अगर रख देते हैं, तो आप ये कंडीशन एक तरह से आप दे रहे हैं कि आपकी क्यू जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है जब उसके अंदर कुछ भी नहीं है. दूसरा केस तब होता है जब क्यू एम्प्टी होती है, बिल्कुल लास्ट क्यू, इंस्ट्रक्शन नंबर 10 के बाद देखें कि आपके पास क्यू एम्प्टी हो चुकी है, ये लास्ट इंस्ट्रक्शन. इसके बाद क्यू, बेशक आपने पांच इंस्ट्रक्शंस एन क्यू की दी, पांच दी आपने डी क्यू की, लेकिन ये सारे एन क्यूज और डी क्यूज के बाद आपकी जो क्यू है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है लास्ट में. वही वाला स्टेटस आ गया है जो कि आपका बिल्कुल इनिशियल स्टेटस था, तब भी क्यू एम्प्टी थी, अब भी क्यू एम्प्टी है. तब क्या स्टेटस था और अब क्या स्टेटस है? तब फ्रंट इज इक्वल्स टू माइनस वन था और रेयर इज इक्वल्स टू माइनस वन था, इनिशियल बिल्कुल इनिशियल केस था. एफ इज इक्वल्स टू भी माइनस वन था, आर इज इक्वल्स टू भी माइनस वन, ठीक है, और अब भी एम्प्टी है बिल्कुल. और क्या स्टेटस है? फ्रंट इज इक्वल्स टू, अगर इंडेक्स ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और फर्स्ट साइड फाइव है, तो फ्रंट फाइव हो गया है और रेयर इज इक्वल्स टू फोर है, जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है. सो सेम कंडीशन नहीं है. अब अगर मैंने अगर यहाँ पे इस एम्प्टी का फंक्शन अप्लाई करना है, तो मैं कौन सी कंडीशन को आप यूज करेंगे जिससे आप रिप्रेजेंट करा लें कि आपके पास क्यू एम्प्टी है? जैसे कि स्टैक था, जब हम कहते थे कि जब स्टैक में टॉप की वैल्यू माइनस वन है तो इट मीन्स आपका स्टैक एम्प्टी है, ठीक. अब यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि ओके, जब भी फ्रंट एफ इज इक्वल्स टू माइनस वन हो, आर इज इक्वल्स टू माइनस वन हो, तो आपने कंसीडर करना है आपने कंसीडर करना है कि आपका क्यू एम्प्टी है. या फिर अगर फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर देन रेयर हो गई है, तो इट मींस आपकी क्यू एम्प्टी है. सो जब भी आप, अगर ये क्यू जो है ये इसका साइज यहाँ पे तो 5 है, 10 भी होता, 20 होता, 30 होता, जो भी साइज होता, जब वो एम्प्टी होती है, सारी वैल्यूज उसमें से डिलीट होंगी, तो डेफिनेटली वन पॉइंट फॉरवर्ड मूव किया होगा फ्रंट. सो जब भी फ्रंट की वैल्यू एफ इज ग्रेट, वेन एवर द एफ इज ग्रेटर देन रेयर आर, देन इट मीन्स दैट द क्यू इज एम्प्टी. जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, जब भी एफ ग्रेटर देन आर है, इस केस में जब भी एफ ग्रेटर देन आर है, तो इट मीन्स दैट योर क्यू इज एम्प्टी. ये याद रखने वाली बात है, मेन, बहुत मेन पॉइंट है. सो अगर इसी को मैं इनिशियली भी इम्प्लीमेंट कर लूँ, बजाय इसके कि मैंने दो कंडीशंस लगानी है कि अच्छा जब भी एफ और आर जब माइनस वन है तब जो है वो तब भी क्यू एम्प्टी, अगर इसको ना यूटिलाइज करें, अगर हम ये रूल यूज कर लें कि इनिशियली इनिशियल वैल्यूज के लिए, बजाय इसके कि आप ये यूज कर रहे हैं, हम इसको रिप्लेस कर दें कि एफ इज इक्वल्स टू जीरो हो और आर इज इक्वल्स टू माइनस वन हो, क्योंकि एंट्री तो आर के इंक्रीमेंट पे ही होनी है. सो अब इस केस में भी क्या है कि आपके पास एफ जो है वो ग्रेटर देन रेयर है. इस केस में भी आप अगर यूज करना चाहें तो आप इसको बड़ा प्रॉपरली यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे भी एफ जो है वो ग्रेटर देन आर है और आपकी क्यू एम्प्टी है. इस लॉजिक को यूज करते हुए बहुत बहुत प्रॉपरली, बहुत नीटली आप एनकोड कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. लॉजिक डिफरेंस आएगा सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीजें इंटरप्रेट करना, क्योंकि आपको दो दो कंडीशंस नहीं हैंडल करनी पड़ेंगी, आपको एक ही कंडीशन हैंडल करनी पड़ेगी. और इसको यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इंसर्शन करते हुए भी नहीं होगी, डिलीशन करते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दैट्स वाई हम इस वाली ऑप्शन को, जिसमें आपने कहा कि फ्रंट इनिशियली माइनस वन रख दें और आर भी माइनस वन रख दें, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और हम यूज करते हैं दूसरा केस, जिसमें आप इनिशियली फ्रंट को जीरो रख देंगे और आर को माइनस वन रख देंगे. सो ये भी हमने जो एग्जाम्पल की थी, ये हमने एफ इज इक्वल्स टू माइनस वन और आर इज इक्वल्स टू माइनस वन, यानी दोनों को आउट ऑफ बाउंड्री रखते हुए की थी. अब हम इस तरह करके देख लेते हैं कि हम जो सेकेंड कंडीशन है इसके अकॉर्डिंगली एक एग्जाम्पल रन करके देखते हैं कि कोई कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. आई होप अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल विद द सेकेंड कंडीशन. ये जो सेकेंड कंडीशन है, ये हम अरे के
आपकी क्यू की एम्प्टी होने की कंसिडर कर रहे हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। फायदा हमें इसको यूज करने का ये है कि आपके पास जब दूसरे केस में आपकी जब आपकी पूरी फिल होके अरे एम्प्टी होती है या क्यू एम्प्टी होती है, तो आपने इन एनी केस तब आपने ये कंडीशन यूज करनी है, तब एम्प्टी उसी केस में करना है, उस केस में ही एम्प्टी है। सो अगर इसी को यूज कर लें इनिशियल वाले केस में भी तो काफी बेनिफिशियल रहता है। अब हम इसको चेक करने लगे हैं कि कहीं की प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। हम कंसिडर करते हैं कि इंटीजर अरे, एक इंटीजर क्यू है। अभी हमने एक कैरेक्टर क्यू देखा। अब प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करने लगे हैं, इसलिए मैं अब इसके इंडेक्स नंबर्स दे रही हूँ यहाँ पे कि इंडेक्स नंबर 1 है, ये 2, 0, 1, 2, 3, क्योंकि 5 क्यू का साइज 5 है, ठीक। और इनिशियली मैंने कहा कि फ्रंट जो है वो 0 को पॉइंट करेगा और रेयर जो है वो हम कह देते हैं वो आउट बाहर, यानी इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। अब अगर इंस्ट्रक्शन हमने दी है एन क्यू की, एन क्यू आप कर रहे हैं 10, तो इस केस में क्यू का क्या स्टेटस होगा? फ्रंट एफ पे है और ओके, एन क्यू के केस में हमने कहा कि रेयर में इंक्रीमेंट होता है, सो आर प्लस प्लस हो जाता है और आर प्लस प्लस होके अब डेटा एंट्री होती है इसके अंदर। सो आर में पहले प्लस प्लस होगा और फिर डेटा एंट्री होगी, कि आर में इंक्रीमेंट किया, पहले आर में प्लस प्लस हुआ और उसके बाद दूसरी एंट्री आपने करनी है कि इस लोकेशन पे आपने डेटा को प्लेस करना है। सो इस लोकेशन फॉर एग्जांपल अगर अरे का डेटा उसका नाम है, अरे का नाम अगर डेटा है तो डेटा की लोकेशन आर पे आप 10 प्लेस कर देंगे। ये अगर एन क्यू का कोड इस तरह होता है, अभी हमने एन क्यू को प्रॉपरली कोड नहीं किया, अगर जब भी करेंगे उसको इस तरह से करेंगे। अभी आप कोड की तरफ बेशक फोकस ना करें, बस ये लॉजिक देखेंगे पहले आप इस लॉजिक को बेशक एन क्यू कर रहे हैं, एन क्यू आपने किया 10, तो सिंपली रेयर जो है आगे पहले मूव करेगा, जाहिर है माइनस 1 पे तो आप कुछ नहीं रख सकते, रेयर को आप 1 पॉइंट फॉरवर्ड मूव करेंगे और उसमें यहाँ पर 10 प्लेस करेंगे। सो अब फ्रंट यहीं पर रहेगा, फ्रंट पे कोई फ्रंट इज इक्वल टू 0 ही है, देख 0, 1, 2, 3, 4, फ्रंट यहीं पे है जबकि आपकी वैल्यू 20 हो गई है, यहाँ पे नई वैल्यू इंसर्ट किया और आर जो है वो यहाँ पे मूव हो गया। सो अगेन सेम प्रोसेस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर हम तीसरा एन क्यू भी करते हैं 30, तब भी ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जिस तरह आपने लास्ट एग्जांपल में किया था। फ्रंट सेम अभी 10 पर ही है और रेयर जो है वो 30, यानी अच्छा फ्रंट और रेयर की वैल्यूज यहाँ पे क्या है, एफ इज इक्वल टू 0 है और आर इज इक्वल टू 2 है। ओके, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रंट और रेयर की क्या वैल्यूज हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि फ्रंट 10 है और आर 30 है, नो, फ्रंट इंडेक्स नंबर है और रेयर भी इंडेक्स नंबर है, एफ इज इक्वल टू 0 है और आर इज इक्वल टू 2 है। सो नेक्स्ट एक और एन क्यू करते हैं, अगर 40, सो इस केस में आर जो है अब आपका 3 हो गया और फ्रंट में कोई चेंज नहीं आया, फ्रंट जो है वो 0 इंडेक्स पे है, फ्रंट इज इक्वल टू 0 है, एफ इज इक्वल टू 0 है स्टिल और आर इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसी तरह एक और एन क्यू करेंगे और उस एन क्यू के बाद आप यहाँ पे वैल्यू भी आपकी आ जाती है। इसी तरह डी क्यू जब करेंगे
तब भी आपकी फ्रंट वैल्यू पहले वन होगी, फिर नेक्स्ट टाइम टू, फिर थ्री। थैंक यू करने के बाद हमें तो एन क्यू करने के बाद आपके पास क्यू का ये स्टेटस है, ठीक है, फ्रंट जीरो पे है और आपके पास रियर जो है वो उसका इंडेक्स नंबर थ्री है और फोर्थ इंडेक्स जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है। अभी हमने लास्ट एंट्री नहीं की, हमने बस फोर्थ एन क्यूज किए हैं इसमें। ओके, अब देखते हैं कि एन बी क्यू करें तो क्या स्टेटस होगा। क्यों किया तो अब आपके पास यहाँ से 10 से 10 डिलीट हो जाएगा और फ्रंट जो है अब आपके पास 1 पे आता है। रेयर में कोई चेंज नहीं है, रेयर जो है वो 3 पे रहेगा। ठीक, डी क्यू, नेक्स्ट डी क्यू किया तो 20 भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, डिलीट हो गया, रिमूव हो गया और एफ जो है वो अब नेक्स्ट पॉइंट पे यानी 2 पे मूव होगा और रेयर जो है वो ऑलरेडी उसने थ्री कर लिया है। अब एक और डी क्यू अगर हुआ है तो 10, 20, 30 एफ जो है वो एफ और आर दोनों सेम इंडेक्स हैं, एफ भी आपके पास इंडेक्स नंबर 3 पे है और आर भी इंडेक्स नंबर 3 पे, ठीक। और एक और डी क्यू लास्ट फोर डी क्यूज हैं तो अगर फोर्थ डी क्यू करते हैं आप अगर तो आपके पास स्टेटस क्या होगा। फोर्थ डी क्यू के बाद आपके पास रेयर जो है वो आपके लास्ट इंडेक्स नंबर 3 पर ही है क्योंकि जब भी डी क्यू करते हैं रेयर में चेंज नहीं आता, जबकि आपके पास फ्रंट एफ जो है वो इंडेक्स नंबर 4 पर चला गया है। सो हमारी कंडीशन ये थी कि जब भी एफ ग्रेटर देन आर होगा तो आपकी क्यू एम्प्टी होगी। सो ये ट्रू हो रही है, यहाँ पे आपकी क्यू एम्प्टी है, सो स्टिल यू कैन पुट इन सम वैल्यूज। सो आपने यहाँ पे अगर एक और एन क्यू कर दें तो इस एन क्यू के बाद अगर क्या स्टेटस होगा आपके रहेगा, लास्ट इंडेक्स जो है एफ यहीं पे रहेगा क्योंकि एफ में कोई चेंज नहीं आएगी, एफ यहीं पे रहेगा और आपकी लास्ट एन क्यू अगर 50 की है आपने यहाँ से 50 और R में चेंज आएगा, R इज इक्वल टू भी 4 हो जाएगा, ठीक है। सो ये कंडीशन के पे हम एक्चुअली फोकस कर रहे थे कि आपकी Q कब एम्प्टी होती है और आपको इनिशियल वैल्यू R और F की क्या रखनी चाहिए, क्योंकि जो इनिशियल वैल्यूज हैं उन केसेस में भी तो आपका Q एम्प्टी है, ठीक है। सो इट मीन्स जब हम इम्प्लीमेंटेशन करने लगेंगे तो हम F इनिशियल इनिशिएट करेंगे जब अरे को Q की अरे को तो हम F इज इक्वल टू भी 0 रखेंगे और R इज इक्वल टू -1 रखेंगे। और जब भी कंडीशन आप इस एम्प्टी की चेक करने लगेंगे तो आप चेक करेंगे कि अगर तो आपके पास F ग्रेटर देन, तो आपने बस याद रखना है कि जो कंडीशन आप है वो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास इनिशियल इनिशिएट कर रहे हैं, जब हम क्यू इनिशिएट कर रहे हैं तब भी क्यू एम्प्टी है, तब भी हम ये सेम कंडीशन यूज़ करेंगे कि F इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और R इज इक्वल टू -1 कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी इनिशियली भी एम्प्टी होगी क्यू तो आप सेम कंडीशन उसमें यूज कर सकेंगे कि वेन एवर योर एफ इज ग्रेटर देन आर इट मीन्स दैट योर क्यू इज एम्प्टी। दैट्स इट, आज के सेशन के लिए इतना ही था। हमने बस एक इंट्रोडक्शन किया क्यूज का कि क्यूज एक्चुअली क्या होती हैं और किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, लॉजिकली किस तरह मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ये डी क्यू का और एन क्यू का हम जो है प्रॉपर फंक्शन सी लैंग्वेज में किस तरह से C++ में किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है वो करेंगे, क्यू का स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इसकी कर लेंगे। सो ऑल द बेस्ट, कोई क्वेरीज हैं तो हम उसको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में आप जस्ट राइट देम डाउन, हम उनको नेक्स्ट अपने सेशन में डिस्कस कर लेंगे लाइव सेशन में। थैंक यू।